तो खुदा सबका एक है, वही ईश्वर तुम्हारा, वही ईश्वर हमारा। नमस्कार, मैं राजन शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए मेरे साथ शो में, और आप देख रहे हैं सेम टीवी। और आज जिस जिले से मैं शुरुआत कर रहा हूँ उस जिले का नाम है कौशाम्बी, और वो देखिए कौशाम्बी लिखा है। और कौशाम्बी में अगर आप आए और कड़ा धाम न गए तो आना व्यर्थ है। मैं कराऊंगा दर्शन आपको कड़ा धाम के, तो आइए मेरे साथ। कानपुर से चलकर जब हम प्रयागराज की ओर बढ़ते हैं तो प्रयागराज से पहले एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कौशाम्बी, और कौशाम्बी का एक कस्बा है जिसका नाम है सैनी। और सैनी से हम लेफ्ट टर्न लेते हैं और टर्न लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आइए हम ले चलते हैं आपको कड़ा धाम। ये आ रहा है पहला चौराहा जब हम सैनी से निकले, और सैनी से निकलते ही पहले चौराहे से आपको राइट लेना है। और यहाँ पर एक भाई साहब दिख रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं। इधर आना, एक रोड ऐसी आएगी वो मत ढूंढना, सीधे उधर पकड़ के ले जाओ। कितने किलोमीटर होंगे यहाँ से? लगभग होगा मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर होगा। 5 किलोमीटर कौन सा? ये है टेरी मोड। ये है कड़ा धाम का गंगा घाट, देखिए कितना सुंदर सा दृश्य है यहाँ का। यहां से निकलकर हम आपको ले चलते हैं कड़ा धाम में ही माँ शीतला का पावन मंदिर है, आइए वहां दर्शन कराते हैं हम आपको। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं कड़े धाम, तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। जब मंदिर की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप अपनी जरूरतों की सामान ले सकते हैं, प्रसाद की दुकानें हैं। तो यहाँ पर अगर कोई आए तो यहाँ पर घूमने के लिए, जैसे शीतला माता का मंदिर है, गंगा किनारे आप जा सकते हैं, किला है यहाँ पे बगल में, किला है राजा जयसिंह का, वहाँ भी घूम सकते हैं। तो उसके बाद मधुक स्थल आइए, मधुक धाम में मधुक स्थल में दर्शन पूजा पाठ करिए। उसके बाद यहाँ पे बाजार है दरगाह, वहाँ पे जो लगता है, और यहाँ पे मेला बहुत विशाल लगता है। और यहाँ पे कलेश्वर घाट मेला लगता है, पूरी घाट मेला जाता है। यहाँ पे 4-5 तीर्थ बड़े अच्छे हैं, जो पुराने हैं, ऐतिहासिक है, पौराणिक है, धार्मिक भी है। आज दुकान बंद दुकान यहाँ बंद दुकान हमारे लोगों 4-5 पीढ़ी चली गई। ये है शीतला माँ का मंदिर जो कि कड़े धाम में ही स्थित है। यहाँ से निकलकर हम चलते हैं राजा जयचंद जी के किले पर, जो कि काफी ऊंचाई पर है, आप देख भी रहे होंगे। यहाँ कागज के पन्नों में तो कड़ा धाम हर जगह लिखा हुआ है, मगर इसे लोग कड़े के नाम से भी जानते हैं।
और हम जहाँ पर चढ़ रहे हैं वो राजा जयचंद जी का किला है जो कि कड़े में ही स्थित है। तो आइए वहां भी हम आपको लेकर चलते हैं, आइए मेरे साथ। ये देखिए राजा जयचंद जी का किला है और हम इस किले पे आ चुके हैं जो कि आज सब खंडहर हो चुका है। देखिए पूरा खंडहर हो चुका है। सच है बहुत ही जो है ऊंचाई पे बना हुआ है, मेरी तो हालत खराब हो गई चलते चलते। रैली में अगर आपको कौशाम्बी को नजदीक से जानना है तो इस किले में आना जरूरी है, क्योंकि इस किले में आप आएंगे तब पूरा नज़ारा आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने कैमरामैन से, प्लीज आप पूरा नज़ारा दिखाएं कौशाम्बी का। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से, पूरा कौशाम्बी आपको यहाँ से नजर आ सकता है। अगर आप कौशाम्बी में आते हैं तो आप कड़ा धाम जरूर आए। और अब हम चलते हैं दरगाह की ओर। कड़ा धाम में ये दरगाह भी है। दोस्तों कड़े में ही ये दरगाह है जहाँ पर हम आ पहुंचे हैं, और यहाँ हिंदू हो या मुस्लिम हो सबकी मुरादें पूरी होती हैं। तो आप भी जब कड़े आइए तो इस दरगाह में जरूर आइए। अभी लॉकडाउन है, सारे धर्म स्थल बंद चल रहे हैं, आप सबको पता है, वरना यहाँ का नज़ारा कुछ और होता। तो हम फिर कभी इस दरगाह में जरूर आएंगे जब ये खुलेगी, ओपन होगी। जब तक आप बाहर से ही ये नज़ारा आपके सामने। चचा हम पहले आपसे जानना चाहते हैं कि इस दरगाह का क्या नाम है? ये ख्वाजा कड़क शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। आपका नाम ख्वाजा सैयद रहमत भी है और मशहूर है ख्वाजा कड़क शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये सुल्तानपुर, ये इस गांव का नाम है सुल्तानपुर, ख्वाजा कड़क इसी नाम से मशहूर है हिंदुस्तान के अंदर कड़क शाह के नाम से। ये आप जो पेड़ देख रहे हैं ये आपने जलती हुई लकड़ी लगा दिया है, ये पेड़ बना है 750 साल पुराना पेड़। 750 साल? हाँ, लोगों ने कहा कि आप बुजुर्ग बनते हैं तो कोई करामात दिखाइए तो हम बुजुर्ग समझे। तो एक लकड़ी जल रही थी भट्टी के अंदर, उसी उखाड़ दिया और हरी पत्ती निकली है उसी वक्त का पेड़। और ये आप भट्टी जो देख रहे हैं उसके बगल में ये जो फूल चढ़ता है उसमें, ये पूरा फूल जब सूख जाता है ऊपर से डेली तो उसी में डाल दिया जाता है, तो 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर ये भर्ती खुद बखुद जल जाती है ऑटोमेटिक। आज भी ये करिश्मा ख्वाजा साहब का ये अलाउद्दीन खिलजी है सामने, आपकी दुआओं से हिंदुस्तान के बादशाह बन गए थे। ये कोठरी बंद रहती है इसलिए कि उधरे लोग मांगने लगेंगे, इनके सामने किसी की ताज नहीं, जिसको चाहे वली बना दें जिसको चाहे बादशाह बना दें। हिंदू 40-50 हिंदू डेली हमारे पास आते हैं और एक साथ बैठ के उस मालिक का नाम लेते हैं। ये एक समझिए कि हिंदू मुसलमान ये वो गंगा बह रही है मोहब्बत की, जहाँ बराबर से हम लोग उन लोगों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उनको जो है। और कोई खुदा सब कहेगा वही ईश्वर तुम्हारा, वही ईश्वर हमारा, लोगों ने ईश्वर को बांट दिया, ये हिंदू को भगवान हो गए, मुसलमान एक है भगवान एक खुदा तो एक है। आज का सफर आपको कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो फटाफट आपके पास पहुंच जाए। देखते रहिए आइए मेरे साथ ओनली ऑन www.sametv.in पर। नमस्कार।